फर्स्ट हम यूज़ करेंगे प्राइमर, आपके पास जो भी अवेलेबल है आप कर सकते हैं। ये हमारे ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने में हेल्प करेगा, ये आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रखेगा। अगर आपको पसीना होगा फिर भी आपका मेकअप नहीं निकलेगा। उसके बाद मैं हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन यूज़ करूँगी और इसमें मेरा शेड है बकलावा। यहाँ पर मैं फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करूँगी। अगर आप लाइट कवरेज फाउंडेशन यूज़ करना चाहते हो तो भी आप कर सकते हो। ये हमारे मेकअप को बहुत ही अच्छी तरह से सेट रखेगा और इसे मैं वेट स्पंज की हेल्प से ब्लेंड करूँगी। और हाँ दोस्तों, ये कंसीलर का भी काम करता है तो हमें एक्स्ट्रा कंसीलर लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और हाँ, नेक पे फाउंडेशन अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि हमारा फेस और हमारा नेक अलग नहीं दिखना चाहिए। उसके बाद मैं लूज़ पाउडर यूज़ करूँगी, इसे मैं अंडर आई एरिया में यूज़ करूँगी और माउथ के पास यूज़ करूँगी, क्योंकि वहाँ पर हमारा जो फाउंडेशन होता है वो बहुत जल्दी निकल जाता है, इसलिए मैं इसे वहाँ पे यूज़ कर लूँगी। उसके बाद मैं बेनिफिट आईब्रो जेल यूज़ कर लूँगी और इसकी हेल्प से मैं मेरी आईब्रो को सेट कर लूँगी, एक अच्छा सा शेप दे दूँगी। दोस्तों, ये मुझे इतना कंफर्टेबल नहीं लगा, मुझे इसकी जो आईब्रो पेंसिल है वो बहुत ही अच्छी लगती है। ये थोड़ा ट्रिकी है तो मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, शायद आपको अच्छा भी लग सकता है। तो ये हमारी आईब्रो सेट हो चुकी है। अब जो हमने लूज़ पाउडर अप्लाई किया था उसे हम निकाल लेंगे और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट। तो यहाँ पे मैं मैक का कॉम्पैक्ट यूज़ करूँगी। कॉम्पैक्ट से हमारा फाउंडेशन सेट हो जाएगा और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। तो कॉम्पैक्ट आप कभी भी स्किप मत कीजिए और आपके पास जो भी अवेलेबल है कॉम्पैक्ट वो आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं लैक्मे का आई शेडो यूज़ करूँगी और ब्राउन शेड को मैं आउटर वी पे अप्लाई कर लूँगी और क्रीज लाइन पे भी अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं ये सिल्वर कलर का ग्लिटर यूज़ कर लूँगी और इसे मैं आई लिड पे अप्लाई कर लूँगी और इसे मैं ब्रश की हेल्प से यूज़ करूँगी। उसके बाद ब्राउन शेड को मैं फिर से क्रीज लाइन पे अप्लाई कर लूँगी और ये वाला जो सिल्वर शेड है उसे मैं इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं निक्स की आई लाइनर यूज़ कर लूँगी और इसकी हेल्प से मैं विंग लाइनर क्रिएट कर लूँगी। दोस्तों, ये वाली जो आई लाइनर है ये बहुत ही अच्छी है, ये वाटर प्रूफ है। अगर आपको गर्मी लगेगी फिर भी ये आपके आई से नहीं निकलेगी, तो ये वाली लाइनर भी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। उसके बाद मैं वेट एंड वाइल्ड का ब्राउ पे लगाने वाला हाइलाइटर एज अ काजल की तरह यूज़ कर लूँगी। दोस्तों, वाइट कलर की काजल अप्लाई करने से आपकी जो आईज़ है वो थोड़ी बड़ी दिखेगी, इससे थोड़ा डिफरेंट लुक आएगा और थोड़ा अलग दिखेगा। उसके बाद फ्रीडम पैलेट से ये जो ब्लू शेड है उसे मैं लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी, क्योंकि मेरी जो साड़ी है वो ब्लू कलर की है इसलिए मैं इसे अप्लाई करूँगी। उसके बाद हम लैश को कर्ल कर लेंगे और उसके बाद मैं मेबेलिन का टोटल टेम्पटेशन मस्कारा यूज़ कर लूँगी। दोस्तों, अगर आपको फेक आई लैश अप्लाई करना पसंद नहीं है तो आप ये वाला मस्कारा ज़रूर ट्राई कीजिए, ये आपकी आई लैश को एक बहुत ही अच्छा वॉल्यूम देगा। उसके बाद मैं लैक्मे एब्सोल्यूट का ब्रॉन्जर यूज़ कर लूँगी। दोस्तों, अगर आपका जो फेस थोड़ा फैट है तो ब्रॉन्जर यूज़ करने से वो थोड़ा स्लिम दिखेगा और अगर आप इसे जॉ लाइन पे अप्लाई करोगे तो आपकी डबल चिन की प्रॉब्लम है वो भी नहीं दिखेगी और अगर आप इसे नोज़ पे अप्लाई करोगे तो आपका नोज़ भी स्लिम लगेगा। ब्लश के लिए मैं लैक्मे का ब्लश यूज़ कर लूँगी और ये पिंक शेड है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। हाइलाइटर में सेम लैक्मे का यूज़ कर लूँगी और मेरे फेस पे हाईलाइट कर लूँगी। हाइलाइटर अप्लाई करने से आपका फेस ग्लो ही लगेगा। उसके बाद मैं लॉरियल की लिपस्टिक यूज़ कर लूँगी और इसका जो शेड है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर लूँगी। मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए मैं मैक का प्रेप एंड प्राइम यूज़ कर लूँगी और ये अप्लाई करने से आपका मेकअप ग्लोई लगेगा, तो ये अप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूले। तो दोस्तों, ये हमारा जो मेकअप है वो रेडी हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक बटन पर ज़रूर क्लिक कर देना। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।